guys, this is Garima and welcome to my channel. And my channel name is Here is the Dish. Today I'm going to show authentic Punjabi egg curry. So, चलिए हम देखते हैं हमें हमारी egg curry बनाने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए. Here I have five hard boiled egg. मैंने इन्हें बीच में से काट के slit किया है. अगर आप चाहें तो आप whole egg भी use कर सकते हैं. Here I have fine chopped tomatoes. मैंने चार टमाटर लिए हैं यहाँ पे. Two very fine chopped onions. Grated ginger around 1 tablespoon, chopped garlic around 1.5 tablespoon, 2 chilies, green chili slit, kasuri methi, cilantro chopped, lemon, cumin seeds, coriander powder, red chili powder, turmeric powder, garam masala, hing, salt, chaat masala, oil. तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं egg curry. First I'm going to heat the pan. To add some oil in it. आप जब भी ऑयल या घी पैन में गरम कर रहे हैं आप उसे उतना गरम ना करें कि उसमें से स्मोक निकलने लगे. अगर उसमें से स्मोक निकलने लगेगा दैट मीन्स आपके जो ऑयल या घी में जो भी गुड फैट्स हैं वो बैड फैट्स में कन्वर्ट हो गए हैं एंड विच इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी. तो आप जब भी ऑयल या घी गर्म करें उसको उतना ही गर्म करें कि वो आप जब जीरा या जो भी आप मेथी दाना या जो भी हमारा ऑयल रेडी हो चुका है. सो मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी एग्स जिन्हें मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैंने एग्स को काट लिया है लेकिन अगर आप चाहें तो इनको काटने से पहले आप इनको फ्राई कर सकते हैं. तो थोड़ा सा इस जस्ट लिटिल बिट हम इसको फ्राई करेंगे. सॉरी एक ही तरफ से जिस मैंने इनको काट लिया है. As you can see, golden color. यहाँ मैंने एग्स को टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है ताकि उनका एक्सेस ऑयल टिश्यू पे आ जाएगा. अभी मैं उसी सेम ऑयल में हमारी ग्रेवी तैयार करूँगी. ऑयल गर्म हो चुका है. So now I'm going to add cumin. Green chilies. Ginger, प्याज पक चुका है. एज यू कैन सी उसका कलर भी चेंज हो चुका है और वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है. तो अनियन इज रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू एड
टमाटोज, और इसी के साथ मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी हींग, सॉल्ट, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। Now let it cook for 5 minutes on slow heat. Bring on. 5 minutes हो चुके हैं, तो देखते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। Look good. So अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, just little bit. That's it. अभी हम इसमें डालेंगे एग्स, ग्रेवी को थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे उसके। Now let it cook for another 5 minutes on slow medium heat, जिससे कि सारा मसाला अच्छे से एग्स के अंदर कोट हो जाए और जब हम एग्स खाएं तो वो ब्लेंड ना लगे। चलिए चेक करते हैं, 5 मिनट्स हो चुके हैं। एग करी तैयार है। इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना एग्स टूट जाएंगे। तो चलिए हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। Here you use cilantro, some onions, and lemon slice. So हमारी एग करी रेडी है। यू कैन सर्व विथ राइस और पराठा, और आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। I hope you like this video. If you like this video, please give this video big thumbs up and like, share, comment. Don't forget to subscribe. And if you have any question about this recipe, please comment below. I will definitely answer your questions. Thank you.